और भी दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे दोस्त की दुकान पे जाने वाले हैं जिनका काम है मोटर वाइंडिंग का और इनकी दुकान का नाम है सालासर इलेक्ट्रॉनिक। तो इनकी दुकान में रखा है डबल डोर फ्रिज सैमसंग का और उसमें हम चेंज करने वाले हैं उसके दरवाजे का रबड़ भी और साथ ही हम उसमें डालने वाले हैं गैस। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आप भी देखिए, इससे भी आपको काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये है सालासर इलेक्ट्रिकल दुकान जहाँ पे मोटर वाइंडिंग का काम होता है और ये है हमारे मित्र कमलेश चौधरी जी, यहाँ पे पड़ा है डबल डोर फ्रिज जिसे हमें ठीक करना है। तो मेरा काम है काम की जगह पे जाते ही काम में लग जाना, तो मैं आते ही यहाँ पे काम पे लग चुका हूँ। यहाँ पे फ्रिज के नीचे का जो पांव होता है उसे हम खोल रहे हैं ताकि ये दरवाजा अलग हो सके, क्योंकि इस दरवाजे की सेटिंग करनी है क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से ही रबड़ लगा दिया है और रबड़ लगाने के बाद में ये बंद होने में थोड़ा सा तकलीफ देता है, तो उसी चीज की हम यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। नीचे से पेच निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पेच में लगे हैं जंग लगे पेच को खोलना काफी मुश्किल वाला काम होता है। तो ये देखिए ये पांव है दूसरा जिसमें पेच के अंदर जंग लगा है और ये हमने दरवाजा खोल भी दिया है और इसमें देखिए रबड़ भी लगा हुआ है और अब नीचे से हम पेच खोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पेच अभी भी फंसा हुआ है, ताकि वो नीचे का दरवाजे का ब्रैकेट जिसे हम कब्जा बोलते हैं वो निकाल सके और उसके थोड़े से छेद बड़े कर सके ताकि हमारा जो दरवाजे का ब्रैकेट है वो आगे की तरफ खिसक जाएगा और जिसके वजह से दरवाजे की सेटिंग प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। तो वही खोलने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो काफी मशक्कत के बाद में ये नीचे का पांव इसका खुल गया है और जैसे ही पांव खुला हमें बड़ी हंसी आई क्योंकि हमने काफी देर लगा दी इसे खोलने में और ये फाइनली खुल गया। तो ये देखिए इसके पांव में कितनी जंग लग रही थी और ये हमें निकालना था। तो ये है वो ब्रैकेट जिसके ऊपर दरवाजा टिका हुआ था और अब इस ब्रैकेट के छेद ही हमें थोड़े से बड़े करने हैं। वैसे तो इसमें एक छेद हमें बड़ा लग रहा है, बाकी दूसरा छेद जो है वो सिर्फ छोटा है, स्क्रू के बराबर का छेद है। जैसा कि मैं यहाँ पे ये चेक कर पा रहा हूँ, ये वाला छेद बिल्कुल स्क्रू के बराबर का है, तो इसी छेद को हमें बड़ा करना है। बाकी दूसरा छेद जो है उसमें गैप है जिसके वजह से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसे हमें ग्राइंडर से काटना होगा, इस छेद को बड़ा नहीं करेंगे हम, ग्राइंडर से पीछे की तरफ लंबा काट देंगे ताकि हमारा ये जो ब्रैकेट है ये आगे पीछे सरक सके। तो ये देखिए यहाँ लगाने के बाद में इसे आगे की तरफ सरकाना है। तो अभी ये हमारे कमलेश चौधरी जी ये ग्राइंडर से इसे काट रहे हैं ताकि वो छेद का जो ब्रैकेट है वो लंबा हो जाए। तो देखिए फाइनली इसे हमने काट दिया है और ये देखिए ये जो छेद था उसके पास से हमने उसे लंबा काट दिया है। अब यहाँ पे जगह मिल चुकी है जिसे हम इसे आगे पीछे खिसका के टाइट कर सकते हैं स्क्रू से। तो चलो अब इस फ्रिज में वापस इस ब्रैकेट को लगा रहे हैं और ये हमारा दरवाजा पहले से तैयार है, इसमें रबड़ लगा के हमने तैयार कर दिया है पहले ही। उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए क्योंकि आते ही हम काम में व्यस्त हो गए थे। नीचे का ब्रैकेट तो हमने सेट कर लिया है, अब हम सेट कर रहे हैं दोनों दरवाजों के बीच का ब्रैकेट, इसे भी सेट करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम लगा रहे हैं वॉशर, पेच ढीले करके इसमें वॉशर लगा देंगे तो ये आगे की तरफ आ जाएगा और जिससे हमारा दरवाजा प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा। ये हमने इसमें वॉशर लगा दिया है पहले ही, तो मैं इसे टाइट कर रहा हूँ और इसे फिर लगा के चेक करूंगा कि दरवाजा प्रॉपर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जब भी आप में से कोई किसी फ्रिज में रबड़ लगाता है तो आपको इसी तरह से सेटिंग करनी पड़ सकती है क्योंकि नया रबड़ जो है उसके थिकनेस थोड़ी मोटी आती है, इस वजह से दरवाजा लगने में थोड़ी तकलीफ देता है और कई कई फ्रिजों में तो दरवाजे में रबड़ लगाने के बाद में आसानी से लग भी जाता है। तो ज़्यादातर केस में हमारे साथ में ऐसा ही होता है कि हमें कब्जों को निकाल के उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के दरवाजा प्रॉपर तरीके से लग पाता है। तो ये हमने यहाँ पे वॉशर लगा के इसे फिट कर दिया है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये दरवाजा प्रॉपर तरीके से बंद हो रहा है या नहीं। तो ये ऊपर वाला तो दरवाजा बंद हो रहा है, अब नीचे वाला भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से अब बंद होने लग गया है, अब ये यहाँ पे अच्छे से चिपकने भी लगा है और इसमें अब कोई भी गैप नहीं है, ऊपर वाला भी बंद हो रहा है और नीचे वाला भी प्रॉपर तरीके से बंद हो रहा है। तो ये हमारा काम हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुल। अब हमारा अगला काम है इसी फ्रिज में गैस डालना क्योंकि इसमें गैस नहीं है, लीक हो गई है। A few moments later. आज हमारे मित्र है कमलेश जी, मोटर वाइंडिंग करते हैं, इनको फ्रिज का काम सिखा रहे हैं। सिखा रहे हो? हाँ सिखा रहे हैं। नहीं सिखा रहे हम तो ये इनकी पूरी दुकान है, पूरा मोटर वाइंडिंग का काम है इनका। क्या नाम है? सालासर इलेक्ट्रिकल्स। हाँ वैशाली नगर के सब लोग यहाँ आ सकते हैं और मजाक वाली बात है, वाकई मस्त वाइंडर है, वाइंडिंग करते हैं हर मोटर। चलो शुरू हो जाओ, दूर रखो पहले उस कंप्रेसर को, तो उस तरफ, हाँ उस तरफ ले जाओ। ये बैग इधर से दे दे सो, ये काला वाला उसमें लगाओ, ये नहीं नहीं इसमें, इसमें काले वाले को इसमें लगाओ। इसमें गैस लीकेज हो गई थी इसलिए हम इसको अब वैक्यूम करके गैस भरेंगे इसमें। पहले वो है ना इसमें, इनको दे दे नीचे जो कॉमन है ना उसमें लगाओ एक वायर को, कोई भी लगा। हाँ चिमटी है, एक इसमें लगाओ एक नीचे वाले में लगाओ। वायर वायर ढंग से लो, वायर ढंग से लो। अभी आप गेज मीटर को चेक भी करोगे। हाँ लगा दो,
देखो कंप्रेसर चालू हुआ क्या, उधर देखो हाथ लगाओ, उधर प्रेशर आ रहा है क्या? आ रहा है, अभी ये वैक्यूम हो रहा है, अभी से आपको कम से कम 20 मिनट तक रखना है। परीक्षा का दिन है आपका आज। और ये गेज मीटर में कैसे समझेगा? जब ये आपकी ये जो सुई है ना, ये पूरी यहाँ आके अटक जाएगी और उधर से जो है ना एयर निकालना बंद हो जाएगी, तो ये वैक्यूम हो जाएगा पूरा। तो इसको कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए इसमें। फिर उसके बाद में अपन यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, वहाँ से वो पाइप निकाल के कैन लगा देंगे गैस का, और फिर इसमें गैस भरना स्टार्ट करेंगे। समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आ रहा है क्या? अभी रुकना पड़ेगा, अभी तो 15 मिनट ही हुए, लेकिन देखो माइनस में आ गई ना पूरी। 10 मिनट और रुकेंगे 10 मिनट के बाद में। वैक्यूम हो गए इनकी, गैस वैक्यूम नहीं हुई है, फ्रिज वैक्यूम हुआ है। हाँ ये लो, उसको थोड़ा सा पीछे खींचना पाइप को, वो क्या अटक जाता है। ये कैन का ये खोल के इसमें लगाओ, शेक करो कैन को। अब खोल दो चाबी ऊपर से। हाँ इधर, हाँ ऐसे उल्टा करके रख दो उसको, नहीं लेटा दो, भले ही लेटा दो ऐसे। अब ये वाला पाइप है ना, ये वाला, इसको खोलो थोड़ा सा, एयर बाहर निकालनी है। ग्लास से खोलो नीले वाले को, ये नहीं नीले वाले को। हाँ ये रहा बाप के बगल में प्लस, पूरा एकदम से मत करो, धीरे से बस बंद कर दो। लग रहा है ठंडा, खोलो अब चाबी। अब ये हमारा फ्रिज पूरी तरह से वैक्यूम हो गया है, और बंद फ्रिज के अंदर अभी हम गैस डाल रहे हैं। जितनी गैस डाल सकेंगे उतनी डाल देंगे, और बाकी की बची हुई गैस हम फ्रिज को चालू करके उसको टॉप अप कर देंगे, जिससे हमारा गैस भरने का काम है पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं हर फ्रिज में ही गैस भरता हूं, और इसी तरह से मैं सबको भी कहता हूं कि आप भी बंद फ्रिज में गैस डालिए और उसके बाद में बची हुई गैस को टॉप अप कर सकते हैं फ्रिज को चालू करके। और सेम प्रोसेस मैं एसी के अंदर भी करता हूं, बंद एसी में गैस को डालता हूं, बची हुई गैस को एसी चालू करके टॉप अप कर देता हूं। अब ये चालू कर दो, फ्रिज चालू कर दो। नहीं हुआ, अब हुआ है। इसमें यहाँ पे ये टाइमर लग रहा है इस बल्ब से, मैं इसका रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ अभी। मतलब गैस कौन सी 134 है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 134, और ये देखो यहाँ पे लिखा होता है गैस 134 R134 है ना, बराबर है ना। अब ये गर्म लग रहा है, हाँ ये, और ये गर्म हो रहा है, ये भी हो रहा है। लाओ और छोड़ो गैस, 10 से 0 के बीच में आना चाहिए इसको। रनिंग प्रेशर और बैक प्रेशर, अभी रन कर रहा है ना, चालू है ना, तो रनिंग प्रेशर बैक प्रेशर, और इसको बंद कर देंगे ना तो होगा स्टैंडिंग प्रेशर बंद में। अब इसका एम्पियर समझ लो आप, इसका एम्पियर होना चाहिए 1, अगर 1 से ज़्यादा ऊपर हो गया तो समझ लो गैस ज़्यादा हो रही है, और 1 से नीचे रहा तो बराबर चल रहा है, और अगर 7 या 8 होगा तो उसमें गैस नहीं है, कम है, और बिल्कुल 50 ऐसे आ जाएगा ना, 5-6 ऐसे आ जाएगा ना, 0.56, तो समझ लो इसमें गैस ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये कम से कम 8 या 9 एम्पियर ऐसे, 0.8 या 9 दिखाना चाहिए, या फिर 1 एम्पियर दिखाना चाहिए। अगर आप अपना गैस बढ़ाएंगे ना तो एम्पियर बढ़ेगा। रोक दो ज़्यादा मत डालो, अब यहाँ पे अटकने लग गए है ना, लेकिन एम्पियर देख के अगर गैस डालोगे ना तो कई बार गैस ज़्यादा भी होती है, तो ये यहीं अपने को रोकना चाहिए 9 तक। और इसमें भी देखना, अगर ये आपका बैक प्रेशर यहाँ पे आ रहा है 0 से 5 के बीच में, ठीक है परफेक्ट, समझ गए। अब आओ आगे कूलिंग चेक करो, बताओ कूलिंग कैसे आ रही है, मज़ा आ गया? ये तो पानी है, ये जमने के बाद में क्या है, इसके ऊपर आप आइसक्रीम रखते हो तो ठंडा रहता है। हाँ उसमें डालो, हो गया ठंडा। नीचे वाला भी खोल के देखो, नीचे भी आ गया होगा, हल्का आ गया। टाइम लगेगा क्योंकि एयर हवा जो है ना, ये हवा आ रहा है ना, नीचे भी आ रहा है यार, मेरे को तो लग रहा है। नीचे क्या है कि कम ठंडा होता है, ऊपर फ्रीजर है, और ये जब पंखा चल रहा है ना, इसकी एयर जाएगी यहाँ से, ये यहाँ से नीचे भी एयर जाती है, तब जाके नीचे ठंडा होता है और ऊपर बर्फ जमाता है। हाँ आप घर पे ले जाके पूजा करोगे इसका, चालू कराया मैंने, किया चालू है। नहीं नहीं खुशी तो होगी, बोले मैंने डाला है इसमें गैस। एक बार में सीख गया। मैकेनिक और टेक्निकल आदमी होता तो एक ही बार में सीख जाता, एक दो बार में सीखा।
सोच रहे मैंने कैसे कर दिया ये। हमने इसमें रबड़ भी लगाया है और गैस भरी है इन्होंने, इनको सिखा दिया रबड़ लगाया है। तो देखा दोस्तों कि आपने ये किस तरह से हमारे ये मित्र जिनका नाम कमलेश चौधरी जी है, इन्होंने बड़े ही आराम से एक ही बार में फ्रिज के अंदर गैस फिल कर दिया और एक ही बार में इनको काफी कुछ समझ में आ गया है। और इनका कहना है कि अब मैं भी किट लेके आऊंगा और मेरे पास में जब भी फ्रिज रिपेयरिंग के लिए आएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रिपेयर करने की। हालांकि इनका जो खास जो काम है वो मोटर वाइंडिंग का काम है और इलेक्ट्रिशियन का काम है। और जो हमारे नए मकान वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर वायरिंग वगैरह जो फिटिंग होती है, लाइट फिटिंग होती है, उसका भी काम ये करते हैं। और हमारे यहाँ पे जितने भी कूलर वगैरह की या पंखे की मोटर वगैरह आती है वो सारी मोटर इन्हीं के यहाँ पे जाती है और इन्हीं के यहीं से वाइंडिंग होकर आती है। तो ऐसे टेक्नीशियनों को एसी फ्रिज का काम बड़े ही आसानी से समझ में आ जाता है और बहुत जल्दी समझ में आता है और बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। तो यदि आप भी इलेक्ट्रिशियन है और आप भी चाहते हैं कि आप अपने हाथ के हुनर से पैसे कमाएं तो इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे देखते रहिए। आगे कई ऐसे वीडियो आने वाले हैं जिनकी मदद से आप बड़े ही आसानी से काम सीख जाएंगे और अपना रोजगार चला पाएंगे। और हमारे इस चैनल का और हमारे वीडियो का यही मकसद होता है कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई है वो अच्छे से काम कर सके और अच्छे से पैसे कमा सके, चाहे ऑफ सीजन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है और इस वीडियो से भी आपको काफी हेल्प मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।